के जे पटेल की चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में दाल बाटी रेसिपी, दाल बाटी चूरमा रेसिपी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी परफेक्ट रेसिपी क्या है। तो मैं जो बाटी बनाने वाली हूँ उसमें मैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ, जिससे आपकी जो बाटी है वो एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी और एकदम पकी हुई। और इसके साथ खाने वाली दाल जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। फिर हम बनाएंगे चूरमा, जो हमने बाटी बनाई है उसी से में ही हम चूरमा भी बनाएंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 कप गेहूं का आटा ले लीजिए, 4 बड़ी चम्मच सूजी ले लीजिए और स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ करना है। बेकिंग सोडा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। इससे क्या होगा कि आपकी बाटी है वो बाहर से अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और पकी हुई बनेगी। अभी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 1 कटोरी जितना देसी घी ऐड करना है और घी और आटे को अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा बराबर। यानी कि आटा अगर आप ऐसे मुट्ठी में लो तो इस तरह से बांधा हुआ दिखना चाहिए। अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और एक डो रेडी कर दीजिएगा। थोड़ा कड़क रखिएगा डो, एकदम नरम नहीं रखने का है। डो को आप अच्छे से 15 या आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख दीजिएगा। आधे घंटे के बाद आपको जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर इस तरह से घी लगा दीजिएगा। आधे घंटे के बाद मैंने आटे को खुला है और इस तरह से आपको अभी बाटी रेडी करने हैं। पहले पूरी की साइज़ की बाटी इस तरह से हाथ से बेल लीजिएगा और उसको वापस से फोल्ड करिएगा और फिर से आप इसको बाटी की साइज़ में राउंड शेप में लगा दीजिए। फिर आपको चाकू की मदद से 2 कट उसके ऊपर लगाने हैं और इसी तरह आपको सभी आटे की इस तरह से बाटी बना के रख दीजिएगा। और इसके साथ ही जब आप बाटी बनाते हो उसी टाइम आपको प्री हीट करने रख देना है ओवन को। अभी मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। देसी घी यूज़ करने से क्या होता है, ये टिपिकल दाल बाटी की स्मेल आती है इसके अंदर से। तो मैंने ओवन को प्री हीट किया है 20 मिनट के लिए, 450 डिग्री में मैंने प्री हीट किया था ओवन को। यानी कि आपका ओवन जितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर रखना है। आपको पहले सिर्फ हीट करना है, बैक नहीं चालू करना, सिर्फ हीट चालू करना है। जब आप पार्टी रखते हो उसके बाद आपको बैक का बटन जो आता है वो आपको ऑन करना है। तो मैंने यहाँ पर बाटी को रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो जो नीचे से मेरी बाटी रेडी हो गई है। अभी मैं इसको ऊपर की ट्रे में, ऊपर की जो ग्रिल है वहाँ पे उसको रखूँगी इस तरह से। यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैं सभी बाटी को पलट कर दूसरी नीचे की साइड में उसको बैक करने रख दूँगी वापस से 5 मिनट के लिए। तो अभी हमारी ये बाटी रेडी हो गई है। जैसे ही हम बाटी को बाहर निकालते हैं तुरंत हमें वापस से इसके ऊपर घी लगाना है। जितना आप घी ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी आपकी बाटी टेस्टी और सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। तो अभी हम बनाएंगे दाल। तो मैंने यहाँ पर 5 टाइप की दाल ली है। सभी दाल में मैंने 2-2 चम्मच दाल लिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए है। अभी मैंने दाल को धोकर रखा था 1/2 घंटे के लिए। अभी हम इसको बॉईल करेंगे। दाल को बॉईल करते वक्त हमें नमक, हल्दी पाउडर और देसी घी यूज़ करना है और 1 ग्लास जितना मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम दाल को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं पहले। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो एक पैन में हम देसी घी लेंगे 4 या 5 चम्मच जितना। उसमें हम पहले जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद अदरक लहसुन ग्रीन चिली का पेस्ट
और आधी से आधी चम्मच हींग और एक कप जितना मैंने यहाँ पर ओनियन लिया है। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं लाइट ब्राउन तक। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टमाटर, और टमाटर हम जब डालते हैं तो हमें तुरंत नमक ऐड करना ही है ताकि टमाटर में से जो पानी निकलेगा उससे हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएगी, पक जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर सारे मसाले ऐड किए हैं जिसका जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिए हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। अभी मैं सारे मसाले यहाँ पर पक गए हैं तो मैंने यहाँ पर जो बॉयल की हुई दाल थी वो यहाँ पर ऐड कर दी है। अभी आपको दाल की जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना आपको पानी ऐड करना है। ध्यान रहे आपको पानी ठंडा नहीं ऐड करना है, गर्म पानी ही आपको ऐड करना है, अदरवाइज आपकी दाल का टेस्ट बिगड़ जाएगा। जो एक टिपिकल दाल का टेस्ट आता है वैसा नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है गर्म पानी ऐड करना है। और एक उबाल आ जाए उसके बाद आप यहाँ पर धनिया पत्ती ऐड कर दीजिएगा। तो हमारी दाल बाटी की दाल रेडी हो गई है, बाटी भी रेडी हो गई है। अभी हम बनाते हैं चूरमा। तो मैंने चूरमे के लिए 5 बाटी ले ली है। अभी मैं उसको मिक्सचर के जार में डाल के अच्छे से उसका पाउडर जैसा बना दूंगी ताकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी एक पैन में हमें 1 चम्मच जितना घी लेना है, उसके अंदर हमने जो चूरमा का पाउडर बनाया है, बाटी का जो पाउडर बनाया है उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। अच्छे से 1 या 2 मिनट के लिए उसको रोस्ट करना है ताकि जो बाटी का जो चूरमा हमने बनाया है उसमें जो भी मॉइस्चराइज होगा थोड़ा भी वो निकल जाएगा और अच्छे से हमारा ये जो चूरमा है एकदम मस्त बनेगा। चूरमा रेडी हो गया है तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं और ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसके ऊपर घी और शक्कर का पाउडर ऐड करना है। तो हमारा ये दाल बाटी चूरमा रेडी है। तो हमारी ये दाल बाटी की रेसिपी डिश पूरी रेडी है। तो पहले हम बाटी को अच्छे से इस तरह से क्रश करेंगे हाथ से, उसके बाद दाल को ऊपर रखेंगे, फिर लहसुन की चटनी स्वाद अनुसार जैसा आपको तीखा चाहिए, देसी घी, ओनियन, धनिया डालकर हम मज़े से खा सकते हैं। तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशनल बढ़ जाए। इस तरह से अगर आप रेसिपी ये दाल बाटी बनाओगे तो 110% एकदम बढ़िया टेस्टी बनेगी।